मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है यह डेटाबेस इनक्रिप्टेड है यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है ब्लॉक डेटाबेस एक सार्वजनिक बही यानी पब्लिक लेजर है जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है इसको हैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा यह कारण है कि हम ब्लॉक को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ बिटकॉइन मुद्रा किसी देश सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है यह एक डिजिटल मुद्रा है अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का, का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा शिक्षा में भी ब्लॉक का इस्तेमाल हो सकता है कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है आपको ब्लॉक टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए